बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही ऑटोमोटिव सर्विस में खुशामदीद। आज जी हमारे पास मेरान, रावी और बुलान, जिसे क्या डब्बा भी बोलते हैं, जिसे पिकअप भी बोलते हैं, उनकी जो मोबिलाइज़र वाली किट है हमारे पास है। ये एक हमारे पास कस्टमर आए हैं, ऊपर जो बार कोड लिखा होता है वो नहीं है। ये आपको तरीका बताएंगे, एक तो बार कोड का और दूसरा आपको बताएंगे इसको कैसे हम ऑल की लास्ट पे बनाएंगे इसको, ठीक है। ये एक हमारे पास पड़ी हुई है जिसका बार कोड है, ठीक है। अब ये भी आपको बताएंगे, इसका बार कोड ख़त्म हो जाए ऊपर से ये उतार लें तो ये कैसे होगा, ठीक है। पहले हम आपको बारकोड, बल्कि पहले आपको ना ये उतार के चेक करवाते हैं, ठीक है। इसमें आईसी लगा हुआ है तो खोल लेते हैं। ये जो आईसी लगा हुआ है ना, ये इसका जो बारकोड के बारकोड जो हम स्कैन करके करते हैं बारकोड, ये इसका है, ठीक है। कोड है 2345, ठीक है, 2345, ठीक है। अब हम ये दूसरी ले लेते हैं जिस पे बारकोड है। हम बारकोड पे आपको करके बताते हैं, बारकोड निकाल के दूसरे मोबाइल से ना आपको, बल्कि मोबाइल में से आपको दिखाते हैं। ठीक हो गया जी, इसका कोड आ गया जी। अब इसको खोल लेते हैं, ठीक है। हम इसके आईसी को अब चेक करेंगे, आईसी पे भी वही कोड लिखा हुआ है। इस डिवाइस का जो आया था ये देखें, अब वही कोड जो हमने बार कोड पर स्कैन किया था वही कोड इस आईसी पे ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप ये बार कोड ख़त्म भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आईसी के ऊपर लिखा होता है। ये देखें 5221 लिखा हुआ है, ठीक है। हमारा बार कोड था वो भी आपको दिखा दिया, जब बार कोड हमने किया स्कैन किया तो उस पर भी यही चीज़ आई, ठीक है। ये अगर आपको मिट जाए या उतार ले कोई, उतार ले कोई, तो आपको परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि इस आईसी के ऊपर लिखा होता है इसका बार कोड लिखा होता है, इसका जो है ऑल की लास्ट कोड लिखा होता है, ठीक है। अब हम इसको आपको एक तो हम हमारे पास ये पड़ा हुआ है, हमने लैदा रखा हुआ है एक इसका जो है, हम इसको कॉपी करेंगे, पहले इसको ऑल की लास्ट पे बनाएंगे, इस पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम फिर इसको फेस टू फेस मिलते हैं, 433 इसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। उस पर हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपलोड होता है, मतलब इस पर कैसे होगा, इसको कैसे पेयर होगा इसके ऊपर, ठीक है। ये 433 है, आपको बताते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये आउटल का ना KM100 है, इसमें हम आपके फ्रिक्वेंसी चेक करवाएंगे इसकी, क्या फ्रिक्वेंसी है इसकी, ठीक है। ये इसके आउटल के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, इसका रिव्यू बताऊँगा। ये बहुत अच्छा की टूल है, बहुत अच्छा है ये, मोस्टली गाड़ियों को लग जाता है ये। फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, ये देखें लॉक पर किया जी, ASK 433 434 होता है ये, 92 ऐड होता है इसमें। ये देखें लॉक और ऑन लॉक में दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। अब हम दूसरा रिमोट लेते हैं चाइना वाला, इसको लॉक करेंगे, देखें अब लॉक करेंगे, ये देखें वो भी 433, ऑन लॉक में भी यही है, ठीक है। अब हम इसका जो है कोड, जो इसका जो हमने पेयर करना है, जो ऑल की लॉस पे बनाना है, उसका कोड लिख के पास रख लेंगे, ठीक है। 2345, पास एक और नई गाड़ी आई है तो हम उस पर लगा के चेक करेंगे। बेसिकली ये जो हमारे पास ये यूनिट पड़ा हुआ है, ये इसका है मेरान का है हमारे पास, आइए हमने उतार लिया था, अब इसके साथ हम इसको ये करेंगे ऑल की लास्ट पे बनाएंगे। सबसे पहले हमने स्विच ऑन कर लेना है, 5 से 10 सेकंड के लिए ऑफ कर देना, फिर ऑन करके फिर आप ये ब्लिंक करेगी 2 दफ़ा, 1-2 पे ऑन कर लेना, ये ब्लिंकिंग करेगी, फिर बंद होगी, फिर आपने स्विच ऑफ कर लेना, फिर आगे 3 दफ़ा करेगी ब्लिंक, 1-2-3 पे आपने ऑन कर लेना, फिर ब्लिंकिंग करेगी, फिर आपने ऑफ कर लेना, 1-2
तीन चार, चार पे ऑन कर लेना है, ब्लिंकिंग करेगी, जब ब्लिंकिंग बंद होगी आपने स्विच ऑफ कर लेना है। वैसे ही पाँच पे आ गए, एक दो तीन चार और पाँच पे आपने स्विच ऑन कर लेना है, वैसे ही ऑफ कर देना है। फिर आपने तकरीबन 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड तक आपने इसको स्विच ऑफ रखना है, ठीक है। अभी ये ऑल की लास्ट पे, मतलब ये लॉक में से निकल आई है, ठीक है। अब इसको आप सेल्फ लगाएंगे और ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये लॉक मोड से निकल आई है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम, ये देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये भी तकरीबन 5 से 10 या 15-20 सेकंड आप स्टार्ट रखें, उसके बाद हम इसको जो रिमोट है वो रिपेयर करेंगे। तीन दफ़ा आपने एकदम, तीन या चार दफ़ा आपने एकदम तेज़ तेज़ ऑन ऑफ करना है, फिर उसके बाद इसको बटन को प्रेस रखने हैं दोनों बटन, और ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। ये आप इसका पेयर हो गया, ये देखें लॉक और अनलॉक, ये इसके साथ पेयर हो गए। ये सेल्फ लगा रहे हैं, सेल्फ नहीं ले रही, ठीक है, लॉक किया हुआ हमने, अब अनलॉक करेंगे। ये जैसे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको फेस टू फेस चाइना वाले के साथ पेयर करेंगे। ये पहले इसको रीसेट कर लेंगे, चाइना वाले को दोनों बटन प्रेस करके रखेंगे, फिर आपने लॉक वाले बटन को उठा के तो तीन दफ़ा प्रेस करना है, एक दो तीन, ये देखें ब्लिंकिंग करेगी, ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अब प्रेस कर रहे हैं, ये लाइट नहीं ऑन हो रही, अब इसके साथ हम पेयर करेंगे इसको, जो सा मर्जी पहले कर लें, लॉक वाला मैं प्रेस करके रखिए, दोनों आपने बटन एक साथ प्रेस करके रखने हैं, ठीक है। ये हमने अनलॉक वाला प्रेस किया, दोनों इकट्ठे प्रेस किए और ये हमारा ये पेयर हो गया, ठीक है। ये अनलॉक वाला पेयर हो गया, फिर अब लॉक वाला ऐसे ही करेंगे, दोनों इकट्ठे प्रेस करेंगे और ये देखें, और ये हमारा, ये भी हमारा पेयर हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें अनलॉक होगी, लॉक हो गई, ठीक है। वैसे ये कोई इतने अच्छे रिमोट नहीं होते ये चाइना वाली फेस टू फेस वाले, बस काम चल जाता है इससे, ठीक है जी। अब इस पे हम आपको चेक करवाते हैं गाड़ी लॉक करके भी, पहले अनलॉक कर लेंगे। ये गाड़ी देखिए स्टार्ट हो रही है हमारी, ठीक है, गाड़ी में स्टार्ट। अब इसको ऑफ करते हैं, अब लॉक में करते हैं, इसको लॉक प्रेस करते हैं। अभी हम देखेंगे, सेल्फ लगा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है जी। ये अनलॉक करते हैं, अब स्टार्ट करेंगे, ये देखें स्टार्ट हो गई हमारी गाड़ी, ठीक है।